सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंच। गिरिडीह बढ़ती ठंड को देखते हुए इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से बुधवार की देर रात शहर के विभिन्न चौक चौराहे का भ्रमण कर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। शाखा के सदस्यों ने शहर के बड़ा चौक, गुरुद्वारा रोड, बस स्टैंड, कचहरी चौक और सदर अस्पताल के पास कुल 40 कंबल, जैकेट व स्वेटर जरूरतमंद व्यक्तियों को दिए गए। इस बाबत क्लब की प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी एवं संस्थापक का पीडीसी पूनम सहाय ने बताया कि तापमान में अचानक काफ़ी गिरावट आई है, जिसके कारण ठंड बढ़ी है। इसी को देखते हुए ज़रूरतमंदों और फुटपाथ पर सोने वाले रिक्शा ठेला लोगों के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया गया। कहा कि आगे भी एक सप्ताह तक इस तरह के सराहनीय कार्य करने का उनका प्रयास रहेगा। मौके पर सेक्रेटरी सोनाली तरवे, ट्रेजरर कविता राजगढ़िया, एडिटर स्मृति आनंद, लक्ष्मी शर्मा, रश्मि गुप्ता, नमिता जमुआर समेत सभी सदस्य मौजूद थे। ये हमारे क्लब इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने, जैसा कि मेरी प्रेसिडेंट अर्चना ने बताया कि हम लोगों ने तीन जगह पर स्वेटर, जैकेट, कंबल का वितरण किया है, लेकिन आगे भी हम लोग इसी तरीके से देर रात में निकल कर और भी ब्लैंकेट्स बांटने का हम लोग का उद्देश्य है और अगला एक हफ्ता के अंदर हम लोग कई जगहों पर और बांटेंगे। गिरिडीह सनशाइन से यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको हर तरह से मदद करने की कोशिश शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। हमारा क्लब मात्र 1.5 से 2 साल पुराना है, तब भी हम लोगों ने जितना हो सका इन लोगों को मदद किया है और आज हम लोग यहाँ कंबल वितरण किए हैं। ब्लाइंड स्कूल में हम लोगों ने स्वेटर, कल क्रिसमस डे के दिन भी हम लोगों ने बच्चों के बीच स्वेटर और चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया था और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से बढ़ती ठंड को देखते हुए, क्योंकि इस अचानक से टेम्परेचर में बहुत ही कमी नज़र आ रही है, लगभग आज का टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम होगा यहाँ का, तो इसलिए हम लोग ने आज सोचा कि हम लोग पूरे क्लब की टीम की तरफ आज हम लोग स्टेशन रोड, बड़ा चौक, गुरुद्वारा और भी बस स्टैंड होते हुए आज कचहरी के पास यहाँ पर पहुँच के सदर हॉस्पिटल के ठीक सामने लगभग हम लोग आज 35 से 40 लोगों के बीच कंबल वितरण किया है तथा कुछ जैकेट्स और स्वेटर भी हम लोग इन लोगों के बीच में वितरित किए हैं।